अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्लांट फैमिलीज टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमने पीपीएससी एफपीएससी वगैरह के लिए इस पोर्शन को किस तरह से कवर करना है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में डिफरेंस एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यूज में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सिस्टमैटिक्स में हम डाइवर्सिटी और ओरिजिन फाइलोजनी की स्टडी करते हैं प्लांट्स एनिमल्स के दरमियान, जबकि टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म्स की आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पे बात की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें टैक्सोनॉमी में नोमेनक्लेचर के हमने रूल्स देखने हैं कि वैलिड नेम क्या होता है, इफेक्टिव नेम क्या होता है, लेजिटिमेट नेम इललेजिटिमेट नेम क्या होता है, और उसके बाद हमने टाइप कॉन्सेप्ट को देखना है कि ये क्या होता है, कौन सी टाइप को किस तरह से नाम दिया जाता है, जैसे नियो टाइप, आइसो टाइप, हॉलो टाइप, पैरा टाइप, सिन टाइप, ये क्या होती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि मुख्तलिफ वर्कर्स ने, साइंटिस्ट ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पेश किए थे, उनकी क्या खसूसियात थी, उनमें नंबर ऑफ क्लासेस, ऑर्डर्स क्या था, और उनमें मोनोकॉट्स की क्या पोजीशन थी, डाइकॉट्स की क्या पोजीशन थी, जिम्नोस्पर्म्स की क्या पोजीशन थी। उसके बाद हमने देखना है कि उन्होंने अपना जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया था उसकी बेसिस क्या थी, जैसे लीनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं, तो इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था और बेसिस थी नंबर ऑफ स्टेमंस, नंबर ऑफ स्टेमंस की बुनियाद पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम, पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम इचलर ने पेश किया था, और एंगलर और प्रेंटल का सिस्टम भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसके बाद जो पहला नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डी जूसी ने पेश किया था, और बेंथम और हुकर का सिस्टम नेचुरल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसके बाद आपने प्लांट फैमिलीज को देखना है, प्लांट फैमिलीज में आपने उन हर फैमिली के स्पेशल और यूनिक कैरेक्टर्स को देखना है, जैसे फैमिली मालवेसी में स्टेमिनल ट्यूब होती है, क्रूसीफेरी में फाल सेप्टम या रेपलम प्रेजेंट होता है, और टेट्राडाइनेमस कंडीशन प्रेजेंट होती है हर फैमिली में। हमने फ्रूट्स को देखने हैं, फ्रूट्स की टाइप कौन सी है, इनफ्लोरिसेंस कौन सी है, प्लेसेंटेशन कौन सी है, और टाइप्स ऑफ ओव्यूल हर स्पीशीज में, हर फैमिली में कौन से प्रेजेंट हैं। फ्रूट्स की हमने फ्रूट्स के बोटेनिकल पार्ट्स देखने हैं कि कौन सा पार्ट एडिबल है। उसके बाद आपने फिफ्थ नंबर पे इकोनॉमिक बॉटनी को देखना है, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं कि हर्बेरियम शीट किस तरह से बनाई जाती है, हर्बेरियम शीट का साइज क्या होता है। 2015 में ये बॉटनी में पूछा गया था, 2017 में भी बॉटनी में पूछा गया था हर्बेरियम शीट का साइज, कौन सी ड्रग किस प्लांट से हासिल की जाती है, पेपर कौन से प्लांट से बनाया जाता है, इसके अलावा क्रिकेट बैट कौन से प्लांट से बनाया जाता है, रेशम के कीड़े कौन से प्लांट पे पाले जाते हैं, इसी तरह हर प्लांट्स के यूज, इनके नोट्स इस वीडियो के एंड में दिए गए हैं। ये हैं पहले नंबर पे फ्रूट टाइप्स, उसका एडिबल पोर्शन कौन सा है, जैसे बनाना बेरी टाइप फ्रूट है और इसमें मीजोकार्प और एंडोकार्प एडिबल है। उसके बाद है कोकोनट, कोकोस न्यूसीफिरा, इसमें जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो है फिबोरियस ड्रूप, और इसमें एडिबल पार्ट है एंडोस्पर्म, और कोकोनट का जो हम पानी पीते हैं वो डीजनरेट लिक्विड एंडोस्पर्म होती है। इसमें इस चार्ट में हर प्लांट की, हर फ्रूट के एडिबल पार्ट्स भी दिए गए हैं और फ्रूट टाइप भी दी गई है। उसके बाद हम आते हैं फैमिलीज के स्पेशल कैरेक्टर आपने देखने हैं, ये चार्ट बना हुआ है किस फैमिली में क्या खास कैरेक्टर है, जैसे इन्फ्लोरिसेंस वर्टिसिलेस्टर सिर्फ लैमिएसी में होती है, और एस्टरेसी में जो इन्फ्लोरिसेंस है वो हेड या कैपिचुलम होती है। उसके बाद आपने देखना है साइकोनस फ्रूट कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिप्सेला किस फैमिली का फ्रूट है, तो सिप्सेला एस्टिरेसी का फ्रूट है, क्रीमोकार्प किस फैमिली का फ्रूट है, क्रीमोकार्प पाया जाता है फैमिली अम्बेलीफेरी में। उसके बाद आपने प्लांट
प्लेसेंटेशन टाइप्स देखनी है, किस फैमिली में कौन सी प्लेसेंटेशन है। जैसे कि फैमिली पोएसी में बेसल प्लेसेंटेशन है। एग्जाइल प्लेसेंटेशन कौन सी फैमिली में है। उसके बाद आपने हर फैमिली के स्पेशल कैरेक्टर देखने हैं। जैसे मोनोएडल्फस कंडीशन फैमिली मालवेसी में पाई जाती है और स्टेमिनल ट्यूब भी। उसके बाद एपिपेटलस कंडीशन एस्टिरेसी सोलानेसी और मालवेसी में, तीनों में पाई जाती है। डाईएडल्फस कंडीशन तो पैलियोनेसी में, एपिकिलेक्स मालवेसी, सिंजिनिसस स्टेमन जो है वो एस्टिरेसी और सोलानेसी में पाए जाते हैं। फाल सेप्टम और रेपलम ये फैमिली क्रूसीफिरी का कैरेक्टर है। टेट्रा डायनेमस कंडीशन फैमिली क्रूसीफिरी में पाई जाती है। यार फैमिली के यूनिक कैरेक्टर्स इस वीडियो में दिए गए हैं। अब हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस कंडीशन में एक फ्लावर के जो फिलामेंट्स पे जो स्टेमन्स होते हैं वो इस तरह से यूनाइट होते हैं कि वो एक सिंगल ग्रुप, सिंगल बंडल बनाते हैं जो ट्यूब की तरह अपेयर होता है, और इसमें एंथर्स जो हैं वो फ्री रहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। अब हम देखते हैं स्टेमिनल ट्यूब क्या होती है। जब ये फिलामेंट्स स्टेमन यूनाइट होते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। उसके बाद हम देखते हैं एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन फैमिली एस्टिरेसी सोलानेसी और मालवेसी का कैरेक्टर है। इसमें स्टेमन जो है वो पेटल्स से अटैच्ड होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्टेमन्स पेटल से अटैच्ड होते हैं। उसके बाद है डाई एडल्फस कंडीशन। इसमें स्टेमन इस तरह से यूनाइट होते हैं कि ये दो का ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एपिकेलेक्स जो कि फैमिली मालवेसी का फीचर है। एपिकेलेक्स में केलेक्स की तरह का केलेक्स से निचली साइड पे एक इजाफी ब्रैकेट्स का वर्ल बनाती हैं कुछ प्लांट स्पीशीज जिसे हम कहते हैं एपिकिलेक्स। ये फैमिली मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद हम देखते हैं सिंजीनिसस स्टैमन जो कि फैमिली सोलानेसी और एस्टिरेसी का कैरेक्टर है। इसमें एंथर्स इस तरह से यूनाइट होते हैं कि ये एक ट्यूब की शक्ल बनाते हैं और फिलामेंट्स फ्री रहते हैं, इसे हम कहते हैं सिंजीनिसस स्टैमन। उसके बाद है फैमिली लैबिएटी के कैरेक्टर्स। इनमें स्टाइल गाइनोबेसिक होता है यानी कि ओवरी की बेस से अराइज होता है, और इनमें एंथर्स जो है वो बाई लिप्ड टू लिप्ड होते हैं। बाई लैबिएट एंथर्स फैमिली लैबिएटी में, और एंथर्स डाइडेनेमस भी होते हैं यानी कि चार एंथर्स होते हैं, दो एंथर्स लार्जर होते हैं और दो स्मॉलर, दो एंथर्स बड़े और दो छोटे। उसके बाद हम देखते हैं फाल सेप्टम या रेपलम। फाल सेप्टम कंडीशन में ओवरी यूनिलाक्यूलर होती है लेकिन दरमियान में एक फाल सेप्टम बना के इसको बाइलॉक्यूलर की अपेयरेंस देता है। उसके बाद है इसमें फैमिली क्रूसीफेरी में टेट्राडायनेमस कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक है। टेट्राडायनेमस कंडीशन में छह एंथर्स होते हैं, चार्ज लॉन्गर, छह स्टैमन होते हैं, चार लार्ज साइज लॉन्गर और दो शॉर्टर। उसके बाद है वर्सटाइल एंथर्स जिसमें जो फैमिली पोएसी का कैरेक्टर है, और इसके अलावा फैमिली पोएसी में फीदरी स्टिग्मा भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं रूबिएसी फैमिली। इसमें फ्लावर होता है टेट्रामीरस। उसके बाद है फैमिली रूटेसी जिसमें पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है और ऑब्डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन। पहले हम देखते हैं ऑब्डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन क्या होती है। ऑब्डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन में जो आउटर वाल के स्टैमन्स होते हैं वो पेटल्स के अपोजिट होते हैं, और नेक्स्ट वाल जो होता है वो फर्स्ट वाल को अल्टरनेट करता है। उसके बाद है पॉलीएडल्फस कंडीशन जिसमें स्टैमन्स इस तरह यूनाइट होते हैं कि ये मल्टीपल बंडल्स या मल्टीपल ग्रुप्स बनाते हैं। ये फैमिली रोटेसी का कैरेक्टर है। और डाईएडल्फस कंडीशन पाई जाती है पैपलियोनेसी फैबेसी में। उसके बाद ट्राइकार्पेलरी गाइनोशियम वो कैनेसी यूफोरबियसी और लिलेसी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सिनकार्पस गाइनोशियम जो कि फैमिली लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम आते हैं साइकोनस फ्रूट पे जो कि 2015 और 17 के पीपीएससी पेपर में पूछा गया था। साइकोनस कंडीशन में एक कंपोजिट फ्रूट हालो फ्लैशी इनफ्लोरिसेंस से डिवेलप होता है रिम्स पे टिनी फ्लावर से।
साइकोनस कंडीशन फैमिली मोरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद है कार्सिलिरस फ्रूट, जो के फैमिली लेबिएटी का कैरेक्टर है। ये एक ड्राई फ्रूट होता है शाइजोकार्पिक टाइप का, जिसमें कई सारे वन सीडेड मेरिकार्प यानी के फ्रैगमेंट होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी के नोट्स इस एंड पे दिए गए हैं। आपने हर प्लांट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखनी है। ये है आज का हमारा लेक्चर टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी।